So let's talk about the 25th of March 2020 important current affairs. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज़ का मतलब ये होता है कि ये हमेशा खड़ी रहती है, यानी कि ये हमेशा ही तैयार रहती है, एक तरह की परमानेंट होती है, अनइंटरप्टेबल होती है और हमेशा कोई ना कोई काम करती ही रहती है। सेलेक्ट कमेटी जो होती है वो जनरली टेम्प्रेरी होती है और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। फाइनेंस कमेटी तीन प्रकार की होती हैं, पहली होती है पब्लिक, दूसरी होती है एस्टिमेट, तीसरी होती है पब्लिक। अब इन तीनों को आप लक्ष्मीकांत से ढंग से पढ़ लेना और उनके क्या क्या करते हैं। आर्टिकल 105 और 118 जो है उनके तहत इन कमिटीज़ को पावर मिलता है और ये अपना बिजनेस कंडक्ट करती हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट जो होती है वो रिकमेंडेटरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं MPLAD। MPLAD एक तरह की योजना होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा चलाई जाती है, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं कि भाई आप खर्च कर सकते हो 5 करोड़। अब 1993 के अंदर ये स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी। इसको फंड जो है बेसिकली सरकार करती है 5 करोड़ रुपये, जो भी MP वगैरह बनते हैं। ये फंड जो होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं और ग्रांट के रूप में ये जो MP होते हैं ये अपनी सरकार के बंदों को दे सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है उनको दे सकते हैं। अब इनका काम होता है रिकमेंडेशन करने का, लेकिन जो एक्चुअल काम करता है वो करता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी स्पेशली जो IAS ऑफिसर या SDM वगैरह होते हैं या फिर जो आपके कलेक्टर होते हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये खाली पैसा देते हैं। लोकसभा वाला अपनी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसमें पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन राज्यसभा वाला पूरे स्टेट में खर्च कर सकता है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है राज्यसभा या लोकसभा का नॉमिनेटेड मेंबर, वो पूरे देश में कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है तो ये पूरे देश में कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकता है, तो ध्यान रख। चलते हैं, अब चलते हैं बात करते हैं सैस के बारे में बात करते हैं। आजकल ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बेचारे इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं इनको बाहर निकाला जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो इनकी इनकम जो है उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सैस जो होता है वो किसी टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। सपोज कि आप इनकम टैक्स देते हो, ठीक है, उस इनकम टैक्स के ऊपर भी सरकार जो है टैक्स लगा सकती है, जिसे अपन सैस कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों पर ही लगाया जा सकता है। बाद में इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसका पैसा जो है जमा कर दिया जाता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, यू शुड नो। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोई जर्मनी की कोई स्कीम है, नहीं पढ़ना है, अपनी देश की याद हो जाए तो ये बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू में कौन कौन से न्यू ईयर मनाए जाते हैं, जैसे फलाना फलाना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट चलते हैं, युहान प्रोविंसी में हर्नाटा वायरस आया है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन सेफली एस्केप, अभी कोई डिटेल नहीं है इसकी। डिजीज़ कंट्रोल, ये तो ऑब्वियस बात है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही करेगा डिजीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि अभी कोरोना फैल रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपन पॉलिटिक में बात करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो आपको 10% कम से कम वोट लाने पड़ेंगे लोकसभा या राज्यसभा, जब भी जिसका भी लीडर बनना है आपको। तो ये जो एक स्टेचरी पोस्ट होती है जिसको पार्लियामेंट्री एक्ट 77 के तहत बनाया गया था, हालांकि प्रेसिडेंट जो है इसमें उंगली नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है राज्यसभा होती है तो प्रेसिडेंट जनरली उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करता है अनटिल अनलेस बिल को एक्ट बनाने के लिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कम से कम आपको 10% सीटें चाहिए होती हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अगर कोई विवाद होता है तो उस केस के अंदर स्पीकर या चेयरमैन जो होते हैं उसको सुलझाते हैं कि भाई आपके पास 10% वोट है या नहीं, इसका डिसीजन जो है आपके स्पीकर चेयरमैन करते हैं, नॉट प्रेसिडेंट। स्पीकर की अपन बात करें तो स्पीकर जो होता है वो तब तक अपनी सीट को खाली नहीं करता है जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते। एक बार आप स्पीकर बन गए तो बन गए, बस नए इलेक्शन होंगे उसके बाद ही आप हटोगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी का ये चेयरमैन होता है स्पीकर, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन लोकल बॉडीज जो है 74 अमेंडमेंट के तहत बनाई गई थी और इसमें 18 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है कि हर 5 सालों में कुछ स्टेट इलेक्शन करवाते हैं, कुछ लोग अभी भी इसको लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। मेयर जो होता है वो इलेक्टेड होता है कुछ राज्यों में डायरेक्टली और कुछ राज्यों में नहीं होता है, तो ये एक्चुअली क्या है कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये बड़ी ही दुख की बात है इंडिया में के अंदर कि बहुत सारी अर्बन बॉडीज़ में इलेक्शन हुए ही नहीं हैं, ठीक है, सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये है कि भाई आप कोर्ट की बात ओबिडेंट डिसओबिडेंट कर लिया या आपने कोई उल्टा सीधी चीज़ छाप दी तो फालतू की बात है। नेक्स्ट चलते हैं, पावर ऑफ गवर्नर की अपन बात करें तो गवर्नर जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको हटाने का काम प्रेसिडेंट करता है, वी नो इट। डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल डिसक्वालीफाई कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, किसी बंदे को, जैसे कोई मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर जो भी है तो उसको डिसक्वालीफाई करना है तो वो कर सकता है।
और हर 5 साल में वो क्या करता है, रिव्यू करता है कि फाइनेंशियली जो है पंचायत और जो म्यूनिसिपलिटीज़ है उनके पास पैसा है या नहीं। तो गवर्नर के पास काफ़ी अच्छी खासी पावर भी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आर्टिकल 192 और 91 के तहत जो है गवर्नर को पावर दी गई हैं। नेक्स्ट है ये मरीन हीट वेव जो होती है वो समर में भी होती है, विंटर में भी होती है, इक्वेटर पे होती है, हाई लेटीट्यूड पे होती है, अलिनो की वजह से होती है। हीट वेव जो कभी भी हो सकती है, नॉट इम्पॉर्टेंट। रिन्यूअल पावर कैपेसिटी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विंड पावर जो है उसकी वजह से भारत के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड होती है सोलर के ऊपर। तो ये आपको एस्थेटिक्स थोड़ी याद रखनी चाहिए। टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ पर, ये पाकि वाकि वाल्मीकि, ये सब आपको ध्यान में होने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जुवेनाइल जस्टिस की अपन बात करें तो ये एक्ट होता है जिसमें 18 साल के बच्चों को ट्रीट किया जाता है। देखिए, और इसके अलावा जो कारा है बनाई गई है भारत सरकार ने, कारा एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि बच्चों के अडॉप्शन यानी कि बच्चों को गोद लेने का प्रावधान इसके अंदर होता है। इसके अंदर ध्यान रखना कि जो 16 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया हुआ है, ध्यान रखना हीनियस क्राइम किया हुआ है, तभी उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी सपोज कि किसी ने रेप कर दिया, फिर मर्डर कर दिया, तो उसके ऊपर क्या है कि अडल्ट के चार्जेस लगेंगे, चाहे वो 16 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। स्विफ्ट की बात करें तो ये एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। हालांकि ये फंड ट्रांसफर इसमें नहीं होते हैं। स्विफ्ट इंडिया एक प्रोग्राम है जो कि इंडिया के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मिलकर के बनाया है, ताकि अगर अपन को सपोज कि ये इंडिया है, इंडिया से बाहर अगर अमेरिका में यूएस में पैसा भेजना है तो ये जो स्विफ्ट है वो एक स्विफ्ट इंडिया मदद करता है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह नेशनल पार्क ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये अप्रेजल कमिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। G20 इंडिया भी इसका मेंबर है। 19 देश होते हैं और एक EU होता है। ये उसके बाद गुरु पड़ो फड़ो को नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ करंट अफेयर्स। थैंक यू।